आप देख रहे हैं हमारे ऑल इन वन सर्विस चैनल, जिसमें हम एक चार्जर मशीन का टायर चेंज करेंगे। ये हमारा टायर है, ये जल चुका है, इसमें हम दूसरे वाले टायर सेटिंग करेंगे, हमारे पास नहीं है अभी। अब ये हमारा चार्जर मशीन हुआ, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको बैटरी फुल होने की सिंगल आपको मिल जाएगा। ये चार्जर है, ये देखिए हमारे ये चार्जिंग एम्पियर है, ये हमारा बैटरी वोल्टेज दिखाने वाला है, ये हमारे एम्पियर मीटर है, ये चार्जिंग सिग्नल है और प्रोटेक्शन भी है। इसमें हम ये 3510 का डायोड सेटिंग करेंगे। सेटिंग करना कैसे है आपको ये चीज़ देख लीजिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव इसमें लिखा रहता है, आपको नेगेटिव नेगेटिव में जाना है, पॉजिटिव में जाना है। आपको इस तरीका से सेटिंग कर लेना है। इसे बॉडी में ऐड करना है, वो आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हुआ, हमने 3510 के डेट में तार निकाले थे, वो डेट हमारा ये ऐसी निकला हुआ नेगेटिव पॉइंट है। इस तरीके से सेटिंग कर लेना है। और ये हमारा ये डैड का हमारा एसी पॉइंट है, जिसे हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के निकला हुआ एसी पॉइंट में से इसे सेटिंग करेंगे। दूसरा भी वायर ले लेना है, उसको हम भी एसी पॉइंट में सेटिंग करेंगे। और इसे हम पॉजिटिव पॉइंट में सेटिंग कर लेना है, डायोड का निकला हुआ पॉजिटिव पॉइंट। अब वो अच्छी तरीके से सेटिंग कर लेना है। और ये हमारा सेटिंग हो चुका है, हमारे ये वायर मोटा है इसीलिए हम टाइम ज़्यादा लग गया। आपको चेक करके दिखाएंगे आपको कि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव वायर हुआ। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट वायर है, ये हमारा पॉजिटिव रेड वाला। आपको हम बैटरी को चार्ज दिखाएंगे आपको, अपने बैटरी पॉइंट में से पॉजिटिव पॉइंट सेटिंग कर लेना है, नेगेटिव में नेगेटिव सेटिंग कर लेना है। इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है। आप इसे देखिए मोटर में, जब सेटिंग करेंगे तो आपको इस मोटर में शो दिखाएगा, अभी शो नहीं है, हम भी सेटिंग कर चुके हैं। ये हमारा बैटरी का लेवल दिखा रहा है, अभी 9 मिनट का चार्जिंग बहुत कम है, इसीलिए जैसे हम इसी लाइन इनपुट करेंगे तो हमारा एम्पीयर मीटर शो करेगा। या देखिए हमारा बैटरी पूरा बढ़ चुका है, इसलिए 50 एम्पीयर ले लिया है। हमारा बैटरी जितना चार्ज होगा उतना एम्पीयर डाउन हो जाएगा,
ओके गाइस, आप बने रहिए हमारे वीडियो में।